अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम YouTube को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं, और YouTube को हम, अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो हम इसको कैसे मुख्तलिफ लोगों तक, ज़्यादा कम्युनिटी तक पहुँचा सकते हैं या ज़्यादातर लोगों तक इस अपने वीडियोज़ को मार्केट में लेके जा सकते हैं, वो मार्केट कैसे ढूँढनी है हमने, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले तो आपका यूट्यूब पे एक अकाउंट होना चाहिए। तो आपका ये अकाउंट, यहाँ पे आप जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं और आप वहाँ से यूट्यूब में साइन इन हो सकते हैं। फिर आप जिस तरह यहाँ पे एक बैनर लगा है, आप इस पे अपने चैनल का नाम दे सकते हैं, चैनल की कोई एक तस्वीर, ये प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करके लगा सकते हैं। और उसके बाद आप अपने सब्सक्राइबर्स को हंट करना है। आप ये सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं 1.53K, इट इज़ ओनली अ स्टार्ट। ये सिर्फ एक मंथ में 1.53K सब्सक्राइबर, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये सब उनकी बदौलत है। और उसके पीछे एक मेहनत है कि क्वालिटी वीडियोस इसमें डाले जाएं, वो चीज़ जो कि लोगों को कैच करे। मतलब ये 5 मैजिकल अल्फ़ाबेट्स दैट कैन चेंज योर प्रोनंसिएशन, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैं उन एक्सपीरियंसिस को शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर कोई बंदा हमारे यहाँ जेल जाता है, तो वो जेल से जब वापस आता है तो वो ज़्यादा कंटूटा होकर आता है। गोरों में क्या है कि वो जब जेल में जाते हैं तो वापस आके उस पर एक YouTube वीडियो बना देते हैं कि हाउ टू लिव इन जेल। सो वो उससे अपने एक्सपीरियंसेस से अर्न करते हैं। स्मार्ट पर्सन अर्न्स एंड लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। सो हम अगर YouTube पे वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं तो ये कैमरे के साइन से हम क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे। ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन तब आएगा जब आपके 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। इस ऑप्शन से आप लाइव जा सकते हैं। अपलोड वीडियो में जाके आपने, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है। सो आपने अपने वीडियो को अपलोड करना है, सिलेक्ट फाइल में जाएंगे आप, और यहाँ से आप फाइल की लोकेशन देंगे कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। सो आई नो वेयर माई फाइल इज़, तो मैं डायरेक्टली उस फाइल में जाऊँगा। और दिस इज़ द फाइल, माई वीडियो ऑन टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब, ये पब्लिक स्पीकिंग क्लब है। तो मैंने ये इसका एक नाम दे दिया। फाइल यहाँ पे ये अपलोड होना शुरू हो गई, आपके सामने 6-7% ये अपलोड हो चुकी है। सो वेयर लीडर्स आर मेड, तो आपकी जो कैप्शन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टाइटल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर स्पिरिट पैदा हो उस वीडियो को देखने का। तो मैं इसकी ऐसी कोई हेडिंग दूंगा, सो मैंने एक इसको एक हेडिंग दे दी। थंबनेल आप इस पे लगा सकते हैं कोई कैचिंग सा, तो मैंने इसका एक थंबनेल ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो आई विल बी सर्चिंग फॉर दैट थंबनेल, मैं उस थंबनेल को इसमें ऐड कर दूंगा। सो वेयर इज़ माई थंबनेल, आई नीड टू सर्च इट आउट। सो दिस इज़ द थंबनेल, और थंबनेल भी बड़ा कैचिंग सा है, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब विच मेक्स यू अ लीडर। उसके बाद मैं प्लेलिस्ट में जाऊंगा, मैंने जिस प्लेलिस्ट में इसको ऐड करना है, तो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, मैं इसको किसी एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। अपना भी करें तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके, अगर आप ज़्यादा वीडियोस डाल रहे हैं तो आपके लिए आसानी है। ये एज के बारे में, तो अगर आप इसकी एज रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए कंटेंट है, तो ये प्रेस करेंगे, वरना फिर आप नो इट्स नॉट मेड फॉर द किड्स, और उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। वीडियो की स्ट्रीमिंग है और ये विजिबिलिटी है, आप इसको अनलिस्ट भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको पब्लिक पे करके पब्लिश कर दिया। अब ये वीडियो ऑटोमेटिकली, जब तक यूट्यूब का मेरी ये वीडियो ओपन है, उसके बाद अपलोड होती रहेगी। अब चूँकि अपलोड हो चुकी है, तो मैं इसको बंद भी कर दूंगा, तो ये प्रोसेसिंग खुद ब खुद चलती रहेगी, तो मुझे, मैं इस वेबसाइट को बंद कर दूंगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना। अब आते हैं हम दूसरे काम की तरफ, कि हम इसमें किस तरह यूट्यूब के अंदर कमाई कर सकते हैं, किस तरह हम इसके अंदर लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो आपने अपने चैनल की तरफ आना है। आपके चैनल में आप इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सो आप ये कस्टमाइज चैनल, आप अबाउट में जाएं,
अब ये जो आपका अबाउट है, इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके चैनल के बारे में लोगों को बताए कि आपका चैनल है क्या। सो मैंने इसमें अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन दी कि इट इज़ अबाउट लैंग्वेज, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। चैनल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अपने नाम पे रखा, आप किसी नाम पे रख लें। उसके साथ ये चैनल्स हैं फीचर्ड चैनल्स। फीचर्ड चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होते हैं या आपके अकाउंट के उससे रिलेटेड स्टफ़ बना रहे हैं। तो ये चूंकि मेरे से रिलेटेड स्टफ़ बना रहे हैं तो मैंने उनको सब्सक्राइब भी किया और फीचर चैनल में ऐड भी किया। ये आपके अकाउंट के लिए बेहतर होता है। कम्युनिटी इज़ अबाउट द पीपल जो कि आपके पास ऐड हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं आगे फ्यूचर में क्या एंडेवर्स करना चाह रहा हूँ। मैंने एक और वीडियो का रेफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे। सो द थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दिस। और आपकी ये प्लेलिस्ट वगैरह आप अपने यूट्यूब इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ करके आप इसमें फर्दर मोर ये आपकी सारी सेटिंग्स आ गई कस्टमाइज़ की। आप कोई पब्लिक पोस्ट भी कर सकते हैं, ऐड एनी थिंग यू लाइक, ऐड एनी थिंग यू वॉन्ट। सो यू नीड टू ब्रिंग्स दोज थिंग्स इन योर अकाउंट विच आर ट्रेंडिंग। सो अब ट्रेंडिंग चीज़ों की तरफ आएँ। अब यहाँ मैं इन चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ। तो उसमें ज़रूरी है कि जब भी आप YouTube को यूज़ कर रहे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आपके YouTube चैनल से रिलेटेड चैनल्स हैं, आप उन चैनल्स को व्यू करें, उन्हें सब्सक्राइब करें और उन पे कमेंट ज़रूर करें। आपका जो कमेंट करना होता है ना, उससे वो लोग एक टाइम आता है कि वापस आपके चैनल पे आते हैं। आपको एक फ्रीक्वेंट जब आपके कमेंट्स देखते हैं तो वो आपको कमेंट बैक करते हैं, आपको लाइक करते हैं। तो इससे आपकी वीडियोज़ में इजाफ़ा होता है। सो सब्सक्रिप्शंस, मेरे ये सारी मेरी सब्सक्रिप्शंस हैं। मैं इनके चैनल्स को विज़िट करता हूँ, इनको लाइक करता हूँ और मुझे उसका एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। सो आपने अपनी कम्युनिटी, अपनी प्लेलिस्ट, अपने अबाउट को सही करना है, इसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपने अपने चैनल की तरफ आके उसकी उसकी पोस्टिंग इंक्रीज़ करनी है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे कैलिबर के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माय वीडियोस, तो वो मेरा सब्सक्राइबर रेट आपको बता रहा है। सो दिस इज़ माय हार्ड वर्क दैट आई हैव डन, दो सम वर्क आई हैड टू डू फॉर माय यूनिवर्सिटी एज वेल। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर लाइक थंबनेल यूज़ किया गया, हर एक चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके चैनल को इंक्रीज़ कर सकती हैं, आपके चैनल को उसकी पब्लिसिटी बढ़ा सकती हैं, आपके चैनल में बहुत सारे लोगों को ला सकती हैं।